आइए बात करते हैं जन लोकपाल से संबंधित विवाद की। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भले ही कुछ न बोल रहे हो, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी के नेता इस पर खुलेआम सॉलिसिटर जनरल पर आरोप लगा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति है, अगर वो केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करेंगे तो ये ठीक नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एलजी और सॉलिसिटर जनरल की बात आखिर कैसे लीक हो गई, ये भी एक संदेहास्पद स्थिति है जिस पर जवाब देना चाहिए। गंभीर बात तो यह है कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब यह कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है कि आखिर किस मकसद से इसको लीक किया गया। मेरा मानना यह है कि इसके पीछे दरअसल राजनीति की जा रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधे रुख कर सकते हैं संवाददाता कुमार कुंदन इस खबर पर डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जो आशुतोष बात कह रहे हैं वो बात सही हो सकती है, लेकिन इस बात को शायद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूल रहे हैं कि अभी एलजी से मुलाकात होनी है और उससे पहले ही वो इस तरह के आरोप उन पर लगा रहे हैं कि वो एजेंट है केंद्र के और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। कितना सही कहा जा सकता है इन आरोपों को? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद होता है और जिस तरह की उन्होंने आरोप लगाए हैं उन्होंने बतौर एक पार्टी के नेता के तौर पर लगाए हैं। जाहिर है कि आशुतोष एक पार्टी के नेता है, न कि वो एमएलए या फिर सरकार के कोई नुमाइंदे हैं एक तरीके से, तो अपनी बात वो रख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस संजीदगी की बात होनी चाहिए थी उस संजीदगी की बात हो नहीं रही है। जहां तक लीक होने की बात है तो कौन लीक कर रहा है, कहां से लीक हो रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें नजीब जंग शामिल नहीं है, इसमें और भी कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं। और जहां तक आपकी बात कर रहा हूं तो आपके अगर कई सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में हैं, बातें हैं, कई सारी बातें ऐसे हैं जो उनके विपक्ष में हैं, तो जब उनके पक्ष में बातें होती है तब तो वो इस तरह की बातें नहीं करते, तो खैर ये एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को लेकर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहे हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस चीज को लेकर सलाह मशवरा कर रहे हैं ये उनके दायरे में आता है, वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन अब लीक होने की बात है तो वो तो कहीं से भी लीक हो सकती है। नहीं, इस मुलाकात को होने से पहले जैसा हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल और साथ ही आपका एक प्रतिनिधिमंडल आज जल्दी से मुलाकात कर सकता है, लेकिन उससे पहले आशुतोष का यह बयान क्या उस मुलाकात पर असर नहीं डालेगा? अब कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि इसे प्रतिकूल परिस्थिति में दिया हुआ बयान कहा जा सकता है, क्योंकि 1:45 में आज शेड्यूल्ड है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने भी आज 4:30 बजे का वक्त लिया है, अब देखना है कि वो मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का बयान ये आया है कि मैं एक पत्र लिखूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को, लेकिन इस तरह की बातें कर कहीं न कहीं एक प्रेशर टैक्टिक है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उस प्रेशर टैक्टिक में आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी बातों को सुने। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर किस तरीके से इसे लेते हैं देखना दिलचस्प। कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने क्या कहा है, उन्होंने राज्य उपराज्यपाल नजीब जंग को कैसे एजेंट करार दिया है, आइए सुनिए उनका ये बयान। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे संदेश ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार, ये बात अलहदा हो सकती है कि ये बात लीक कैसे हुई एलजी और सॉलिसिटर जनरल के बीच, लेकिन प्रश्न
संवैधानिकता और असंवैधानिकता के बीच का है जिस आधार पर जनरल लोकपाल को उस श्रेणी में खड़ा किया जा रहा है? देखिए, उसमें सबकी अलग अलग राय है प्रीति। मैं जहां तक राय की बात बताऊं, लोगों की अलग अलग राय है और अधिकतर लोगों की राय यह है कि असंवैधानिक है, जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये संवैधानिक है और हमने भी अपने अपने लोगों से राय ली है और इस बाबत बकायदा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिख रहे हैं। अब ये सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर पर डिपेंड करता है कि वो किनकी बात मानते हैं, किनकी बात नहीं मानते हैं, उनका अपना विवेक क्या कहता है। अब निश्चित तौर पर अगर वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानेंगे तो उनके जो लोग हैं वो तो प्रतिकूल बयान देंगे देंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब तक अगर कोई बात मानते आ रहे हैं तो वो सही है और एक बात नहीं माने तो फिर वो गलत हो गए। तो इस तरह से चीजें देखना अब बड़ा मुश्किल कहना है इसमें, क्योंकि अभी चीजें शुरू हुई है, अभी जन लोकपाल को लेकर बहस जारी है कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे राय ले रहे हैं, अभी अपनी पूरी राय शुमारी भी उन्होंने नहीं बनाई है। इससे पहले उन्हें ये कह देना कि आप कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल लगता है और ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से शायद बचना चाहिए तब जब किसी फाइनल कंक्लूजन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। प्रीति, ये एक परंपरा सी हम देख रहे हैं, लगभग सवा महीना डेढ़ महीना होने को आ रहा है और आम आदमी पार्टी जो मुद्दे हैं असल उनसे भटकती हुई कई दफे हमने देखा और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन कुमार, 13 तारीख को चर्चा होनी थी विधानसभा के भीतर इस जनरल लोकपाल को लेकर, ऐसे में अब विकल्प क्या बचते दिख रहे हैं? हालांकि मुलाकात होनी है अभी उपराज्यपाल की आप नेताओं की। देखिए, दो तीन बातें सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं प्रीति, विधानसभा का सेशन कहाँ होगा इसको लेकर तो अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। जहां जहां इन्होंने जगह मांगी थी अभी तक किसी भी जगह को फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, कहीं भी हरी झंडी नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात, जिस मसौदे की ये बात कर रहे हैं उस मसौदे को लेकर अलग से परेशानी है, कांग्रेस विरोध कर रही है, कह रही है कि इस प्रारूप में वो जन लोकपाल को पास नहीं होने देना चाहती है। ऐसे में कई तरह के मुश्किलें हैं अरविंद केजरीवाल के पास और संभव है कि 13 तारीख से पहले उन मुश्किलों को वो दूर करें। अगर 13 फरवरी से पहले वो दूर नहीं कर पाते हैं ऐसे में उनकी सरकार पर संकट के बाद तो साफ दिख रहे हैं, वो भी तब जब उनके बिन्नी ने एक तरह से समर्थन वापसी की बात कर दी है, जो शौकीन है और शोएब इकबाल है उनकी स्थिति भी।